राजधानी दिल्ली में लोगों का गुस्सा इस कदर सातवें आसमान पर आ जाता है कि वो किसी की जान लेने पर भी उतारू हो जाते हैं। एक ऐसा ही मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुरी इलाके में जनकल्याण स्कूल में 12वीं क्लास का छात्र की पीटने से मौत हो गई। इस घटना के चलते परिवार में कोहराम मच गया। इस घटना की एक CCTV वीडियो भी आई है जिसमें छात्र को काफ़ी लड़के बुरी तरीके से पिटाई करते नज़र भी आ रहे हैं। पुलिस ने धारा 304 में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मृतक के पिता ने पुलिस से अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। उनका कहना था कि उनके बेटे को बुरी तरीके से पीटा गया था जिसके चलते उसकी इलाज के दौरान मौत हुई है। क्या कुछ कहना था मृतक के पिता का, देखे ये रिपोर्ट। बच्चों का झगड़ा था जी, इन्होंने मेरे बच्चे को मिलके पूरे गैंग बना के उसके बाप ने मारा है और उसके साथ कई बच्चे थे उनके लेटा के उनके मूसली से मारा है जिससे वो कूटते हैं गर्म मसाला वगैरह अदरक वगैरह कूटते हैं उससे मेरे को मारा उससे उनको मारा है। और उसके बाप ने उसको चाकू दिखाए कि तू अगर थाने में कुछ भी बोलेगा तो तेरे हत्या कर जाएगी। मेरी जो है पहुंच यूपी में विधायक तक है। अब अभी बेटे का क्या नाम था? मेरे बेटे का नाम तनुज जायसवाल नाम था। कौन से स्कूल में पढ़ता था? जन कल्याण। कौन सी क्लास में पढ़ता था? 12th में। तो स्कूल के साथ बच्चे पढ़ने वाले जिन्होंने मारा है? हाँ, बच्चे वही गए हैं। हाँ, उनकी उनकी वीडियो क्लिप भी है। उसको लातों से घूसों से उसके पेट में मारा गया खूब जिससे उसकी मौत हो गई है। अभी कितने तारीख की घटना है? ये 15 तारीख की घटना है। तो उसके बाद आपने पुलिस को कॉल किया था उस दिन? उस दिन हम पुलिस में आए थे, थाने में यहीं पे थे हम उस दिन भी आए थे। तो वीडियो क्लिप के आधार पे एक आदमी को यहाँ बंद कर दिया था, बाकी बच्चों को छोड़ दिया गया था कि इनका भविष्य खराब हो जाएगा, इनके बारे में कुछ मत। लगभग ये घटना 15 तारीख की है और बच्चे का इलाज चल रहा था यहीं भजनपुरी डॉक्टर साहब के यहाँ, मगर आज बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, उसको RML हॉस्पिटल में ले जाया गया। पहले ले गए यहाँ गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में, उन्होंने रेफर कर दिया RML में। RML वहां ले जाके डॉक्टरों ने बहुत कोशिश करी मगर काम, बच्चों का आपस में झगड़ा था स्कूल में, बच्चे लड़ पड़े। लड़ने के बाद बच्चा हमारा हाथ से निकल गया, बच्चे को लोहे की मूसली के साथ सिर फोड़ दिया गया जिससे मसाला कूटा जाता है, लोहे की जो मूसली होती है माम दस्ते वाली, और बच्चे के पेट में टांगों से उसके खूब मारा गया। जो डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के पेट में पानी इकट्ठे हो गए, डॉक्टरों ने बहुत, बच्चा 12th क्लास में पढ़ता था, 17 साल की उम्र थी। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, TB का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213
3291 4781 8312 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।